हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अयंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम फार्मेसी के रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो टॉपिक होता है ना उसको पढ़ने वाले हैं, विच इज़ अ ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना बहुत बार बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पूछा गया है, तो देर इज़ अ हाई चांसेस कि ये आपको पूछा जाए। और इवन दो कि जो हमारा वाइवा होता है ना उसके अंदर भी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और इसको जितना हो सकता था मैंने उतना सिंपली इसको क्रिएट करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे ना तो मैंने इसका दो बाइफर्गेशंस बना दिए हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे पास फार्मेसी प्रॉपर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है गैलेनिक फार्मेसी। ठीक है, तो अगर ब्रॉडली हम देखें या फिर तो आपको अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर इन द होम्योपैथिक फार्मेसी, तो आपने बोलना है कि वहाँ पर सिर्फ दो ही ब्रांचेस हैं। तो दो ब्रांचेस कौन सी है, एक है हमारी प्रॉपर फार्मेसी या फिर तो फार्मेसी प्रॉपर, दूसरा है हमारे पास गैलेनिक फार्मेसी। ठीक है, तो उसके अंदर से जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो गैलेनिक फार्मेसी जो है उसके जो आगे सब डिविजन्स नहीं होते हैं, लेकिन जो फार्मेसी प्रॉपर है उसके आगे थोड़े से सब डिविजन्स होते हैं। तो देयर इज टू सब डिविजन्स ऑफ फार्मेसी प्रॉपर। ठीक है, तो पहला कौन सा है हमारे पास ऑफिशियल और दूसरा है एक्सट्रीम पोरेनियस। ठीक है, ऑफिशियल एक्सट्रीम पोरेनियस, ठीक है, इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो जो ऑफिशियल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो ये क्या होता है, इट इज़ अ प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फार्माकोपियास, राइट। ये आपको ईजिली याद रह जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है कि या फिर तो इसको कौन सी ब्रांच बोलते हैं कि सिर्फ वही ब्रांच है, सिर्फ वही चीज़ है कि हम जब हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं तो उसको हम किसके गाइडेंस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, थ्रू द ऑफिशियल फार्माकोपियास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स भी दे रखे हैं कि भाई ऑफिशियल फार्माकोपियास कौन कौन से, HPI जो हमारा ऑफिशियल फार्माकोपिया है इन इंडिया का, दूसरा है GHP मतलब कि हमारा जो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो, जो कि जर्मनी का ऑफिशियल फार्माकोपिया है। ठीक है, दूसरा है BHP मतलब कि ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, मतलब कि जो ब्रिटिश कंट्रीज हैं वहाँ पर ये ऑफिशियल फार्माकोपिया चलती है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफिशियल फार्माकोपियाज के। तो ऑफिशियल वाला जो होम्योपैथिक फार्मेसी का ब्रांच है वो क्या होता है कि जिसके अंदर प्रिपरेशन हम करते हैं ड्रग्स का अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फार्माकोपिया, कि उसके अंदर जिस तरीके से हमें सारे चीज़ें बताई गई हैं कि भाई इस तरीके से आपने इस ड्रग को प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलेंगे ऑफिशियल ब्रांच ऑफ द होम्योपैथिक फार्मेसी। ठीक है, तो जो किसके अंडर आती है, फार्मेसी प्रॉपर के अंडर आती है। ठीक है, दूसरी अगर हम देखेंगे विच इज़ अ एक्सट्रेम्पोरेनियस, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रिपरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसके अकॉर्डिंग टू प्रीस्क्रिप्शन। प्रीस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही लिखा गया है, या फिर तो आप इसको प्रिस्क्रिप्शन ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिकल वर्ड रहेगा, तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन यूज टिल द 1825। ठीक है, तो ये क्या था कि जिसके अंदर सपोज कि अगर आप एक होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे हो और आपने अपने तरीके से जब आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हो, ठीक है, आपको पता होगा कि बहुत जगह पर जब हम मेडिसिन लेने जाते हैं तो जो डॉक्टर होता है वो मेडिसिन का नाम जिस पेज के ऊपर लिखता है, जिस तरीके से लिखता है, उसको हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपने लिख देना है कि ये एक पर्टिकुलर ड्रग जो है वो किस तरीके से बनाई जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फार्मेसी वाला जो पर्सन है उसको ये ड्रग बनाकर पेशेंट को दे देनी होती थी, लेकिन ये हम कब तक यूज़ करते थे, मतलब कि नाउ डेज ये चीज़ यूज़ नहीं होती है, ये चीज़ सिर्फ हम यूज़ करते थे टिल 1825 तक। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो फार्मेसी प्रॉपर के सब डिविजन्स। अब दूसरा आता है आपके पास गैलेनिक फार्मेसी। ठीक है,
द गैलेनिक फार्मेसी क्या है? इट इज़ अ नेम आफ्टर द ग्रीक फार्मासिस्ट गैलेन, ठीक है, जो गैलेन थे, जो कि एक ग्रीक फार्मासिस्ट थे, उनके नाम के ऊपर से इसका नाम रखा गया है, विच इज़ अ गैलेनिक फार्मेसी, ठीक है. एंड द डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग द क्रूड ड्रग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ठीक है. तो जो गैलेन थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने जो ये पूरा वे बताया है कोई भी मेडिसिन को बनाने का, तो उसके अंदर उन्होंने बेसिक चीज़ बताई. बेसिक चीज़ क्या उन्होंने बताई कि जो क्रूड ड्रग होती है उसको एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे हम. क्रूड जो सब्सटेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कोई भी वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन, ठीक है, तो हमने वो मेडिसिन बनानी है तो हमने वो देखना पड़ेगा कि हमारे पास उसका प्लांट जो है उसका कौन सा पार्ट हमको यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल कि हम लीव्स यूज़ करते हैं, हम रूट यूज़ करते हैं, हम उसका बार्क यूज़ करते हैं, और एट द एंड हम उसका जो जूसेस होते हैं, जो गम्स होते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं. तो आपने वो देखना है कि वो क्रूड ड्रग सब्सटेंस आपने किस तरीके से निकालना है, कब निकालना है, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको फार्मेसी में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है. तो ये जो एक बेसिक चीज़ थी वो किसने बताई हमको, गैलेन ने बताई, ठीक है. एंड द प्रिपरेशन ऑब्टेन बाय द मैसरेशन एंड द परकुलेशन, ठीक है. जो मैसरेशन एंड परकुलेशन है, अगर आप थोड़े से अवेयर होंगे इस दोनों वर्ड के बारे में, तो आपको पता होगा कि जो न्यू मेथड्स हैं, जो भी कोई मेडिसिन को बनाना रहता है, होम्योपैथिक मेडिसिन का जो प्रिपरेशन होता है उसकी जो न्यू मेथड है, ठीक है, तो वो इन दोनों वेज से होती है, ठीक है. तो जो ओल्ड मेथड है उसके अंदर तो जैसे 9 क्लासेस हैं, लेकिन जो न्यू मेथड है उसके अंदर आपके पास ये 2 मेथड्स हैं, ठीक है. तो इन्होंने क्या बताया, या फिर तो ये एक जो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ फार्मेसी है उसके अंदर हम इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. एंड द प्रिपरेशन आर, मतलब कि जो हम प्रिपेयर करेंगे वो किस फॉर्म में हमें मिलेगा, ठीक है. तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, इन्फ्यूजन या फिर तो डिकोटेशन, फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, फ्लूइड ग्लिसरीन, विनेगर्स या फिर तो टिंचर्स, ठीक है. तो जो अलग अलग टाइप के हमारे पास सब्सटेंसेस रहेंगे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म के अंदर हमको ये चीज़ मिलेगी. लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमें सॉलिड फॉर्म में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है. यहाँ पर हमको सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में मिल रही हैं, ठीक है. तो ये एक थोड़ा सा बाइफर्गेशन हो गया, राइट. जो फार्मेसी प्रॉपर होता है उसके अंदर या फिर तो एक्सटेम्पोरेनस तुम देख लो या फिर तो ऑफिशियल देख लो, दोनों के अंदर सॉलिड जो प्रिपरेशंस हैं वो भी हम बना सकते हैं, लेकिन गैलेनिक फार्मेसी के अंदर सिर्फ लिक्विड प्रिपरेशंस बनती हैं, ठीक है. उसके आगे चलेंगे कि अदर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं. ये जो थी वो मेन 2 ब्रांचेस थी, लेकिन अदर ब्रांचेस के आपको जस्ट नाम पता होने चाहिए, ठीक है. तो फर्स्ट इज़ द हॉस्पिटल और द इंडस्ट्रियल. ऑफ कोर्स इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हॉस्पिटल्स में या फिर तो एक बड़े बड़े जो चीज़ें होती है, लाइक बड़े बड़े बल्क में जब हमको चीज़ें बनानी रहती हैं, ठीक है, तो तब हम किस तरीके से मेडिसिन को बनाएंगे, तो उसको हमने बोल दिया कि हॉस्पिटल या फिर तो इंडस्ट्रियल. प्रैक्टिस द फार्मेसी इन द हॉस्पिटल्स, राइट. दूसरी चीज़ है क्लिनिकल, ठीक है. तो अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक फिजिशियन जो है वो अपने तरीके से मेडिसिन बनाकर दे रहा है अपने ही क्लिनिक के अंदर, जैसे डॉक्टर हेनेमन किया करते थे कि वो खुद ही मेडिसिन को प्रिपेयर करते थे और उसी वक्त उस पेशेंट को देते थे, ठीक है. तो ये हो गया क्या आपका क्लिनिकल वाला होम्योपैथिक फार्मेसी. सो फार्मासिस्ट प्रोवाइड द केयर टू द पेशेंट सो दैट द ऑप्टिमाइजेस यूज ऑफ द मेडिसिन प्रोवाइड हेल्थ, ठीक है. दूसरी चीज है थियोरेटिक, ठीक है. थियोरेटिक में क्या है, टीचिंग द फार्मेसी इन द होम्योपैथिक कॉलेजेस इन थेरापेटिक नेचर, जो कि हम कर रहे हैं, जो कि मैं कर रही हूँ अभी आपको टीच करने का, या फिर तो आप जब कॉलेज जाओगे वहाँ पर भी ये चीज़ पढ़ोगे, तो ये क्या हो गया आपका थेरापेटिकल हो गया, ठीक है, सॉरी थियोरेटिकल हो गया. दूसरी चीज़ है ऑपरेटिव, दैट मीन्स द स्टैंडर्डाइजेशन, द मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, ठीक है. बिकॉज कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक पूरा फार्मेसी देख रहे हैं, राइट. यहाँ पर सिर्फ हम कोई एक
स्पेसिफिक पेशेंट या फिर कोई एक स्पेसिफिक डॉक्टर, कोई एक स्पेसिफिक क्लिनिशियन के बारे में बात नहीं कर रहे हम। पूरा अगर तुम इसको ब्रॉडली देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग इसका पूरा अलग से करना पड़ता है, देन उसको रिटेल में बेचना पड़ता है, देन उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑपरेटिव हो गया। दूसरी चीज़ है होलसेल। ठीक है, तो जैसे अभी आप कोई भी पॉपुलर अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ जो कि मेडिसिन बनाती हैं, तो लाइक स्वाबे हो गया, SBL हो गया, या फिर तो दूसरी भी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो कि होम्योपैथिक, पर्टिकुलरली मैं होम्योपैथी की बात करूँगी कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन बनाती हैं, ठीक है, तो वो होलसेल में बेचती हैं किनको, डॉक्टर्स को। ठीक है, उसके बाद वो किसी पेशेंट को बेचते हैं, तो ये क्या हो गया, होलसेल वाली चीज़ हो गई। और रिटेल वाली चीज़ जो कि डॉक्टर अपने पेशेंट को बेचता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रांचेस ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। मेनली देखोगे तो दो ब्रांचेस हैं, एक होता है फार्मेसी प्रॉपर, दूसरा होता है गैलेनिक फार्मेसी। ठीक है, और जो फार्मेसी प्रॉपर होता है उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, ऑफिशियल और एक्सट्रेम्पोरेनस। एक्सट्रेम्पोरेनस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1825 तक ही यूज़ किया जाती थी ये मेथड। और जो गैलेनिक फार्मेसी है वो किसने दिया है, तो गैलेन ने दिया है। ठीक है, गैलेन के नाम के ऊपर से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर से भी जैसे मैंने आपको हाईलाइट कर करके बताया अभी, वो सारे टॉपिक्स आपको एज ए MCQ या फिर तो आपके बायवा वगैरह में पूछे जा सकते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एज वेल एज यू कैन DM मी ऑन माय IG अकाउंट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।